वेलकम टू द चैनल मैथ्स कांसेप्ट एकेडमी। मेरा नाम रवि, मैं आपके लिए मैथमेटिकल कंटेंट की वीडियो लेके आता हूं। अगर आप 9th 10th और किसी भी गवर्नमेंट जॉब के एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, ठीक है? चलो, ये आपके लिए, ठीक है? चलो अब ये सॉल्व करना है। देखो होता क्या है, मैं किन एग्जाम की बात कर रहा हूँ, मैं बात कर रहा हूँ मैथ ओलंपियाड की या फिर किसी भी गवर्नमेंट जॉब के एग्जाम की, चाहे कोई भी हो। मार्केट में क्या चलता है, जब SSC का निकलेगा तो उसके हिसाब से पढ़ाया जाएगा, DSSSB का अलग, लेकिन मैथ तो कॉमन है, मैथ चेंज नहीं हो रही। चेंज क्या हो रहा है, उनका दिखाने का तरीका, ताकि हर बार आपसे पैसे कमाए जा सके, ठीक है? अब सुनना मैं क्या कह रहा हूँ। अब जो ओलंपियाड और मैथ गवर्नमेंट जॉब के एग्जाम में मैथ आता है, वो आता तो 9th और 10th का ही है, लेकिन उसमें एक लेवल अपलिफ्ट कर देते हैं। उसका क्या मतलब है समझते हैं। ये जो साइन है, इस साइन को कहते हैं फैक्टोरियल। इसका मतलब होता है 1 factorial = 1, 2 factorial = 2 × 1 = 2, 3 factorial = 3, 2, 1 that is 6, 4 factorial = 4, 3, 2 or 1, 4 × 2 = 24, 5 factorial = 5, 4, 3, 2, 1 that is 120। यानी कि आप कितने भी फैक्टोरियल निकाल सकते हो। और अगर आप क्लास 11th के बच्चे हो, या फिर आप किसी भी गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हो, या फिर आप मैथ ओलंपियाड की तैयारी कर रहे हो, तो आपको मेरा सजेशन है कि 10 फैक्टोरियल तक वैल्यू याद होनी चाहिए, 10 फैक्टोरियल तक वैल्यू याद होनी चाहिए। ये आपके ऊपर है, नहीं भी करते हो तो मेरा कुछ नहीं जाएगा, ठीक है ना? सुनना मैं ये कह रहा हूं। अब मैं इसे ऐसे लिख सकता हूं, सॉल्व करना है, x² + 19x - x × x - 1। क्यों? सुनना मैं क्या कह रहा हूँ, क्योंकि हम क्या देख रहे हैं यहाँ पे, जो भी नंबर होता है उसके बाद उसका एक कम आ जाता है। ऐसा नहीं है ये x माइनस वन पे रुक जाएगा, ये ओके क्लास -x × x - 1 factorial। क्यों? क्योंकि 4 factorial को 4 × 3 का factorial लिख सकते हैं, मतलब अगर ये x है तो ये x माइनस वन, एक कम हो गया। अब पूरी इक्वेशन को x से डिवाइड कर दो, x - 1 factorial। अब हमने x माइनस वन को y मान लिया, क्या मान लिया, y, और यहाँ से आ जाएगा y प्लस वन। अब देखते रहना, x भी आएगा y प्लस वन, यहाँ पे 19 माइनस y फैक्टोरियल इक्वल टू 0, y प्लस 20 इक्वल टू y फैक्टोरियल। अब आपको क्लास ऐसा देखना है, अब आपको ऐसा देखना है कि एक फैक्टोरियल ऐसा जरूर होगा जो उस अपने नंबर प्लस 20 के इक्वल है, अपने नंबर प्लस 20 के। अब यहाँ टेबल में आ जाओ, 4 factorial 4 + 20 = 24 factorial, क्या ये सही है? हाँ ये सही है। तो यानी कि y की वैल्यू कितनी आ गई, 4। अगर y की वैल्यू 4 आ गई तो यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 4 + 1 = 5, यानी कि x क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। अगर आप किसी ऐसे एग्जाम में बैठे हैं, जहां पे MCQ फॉर्म में आ रखा है, ऑप्शन दे रखा है, तो ऑप्शन दिया होगा, मानो 5, 4, 3, 2 को दिया होगा, आप इनकी वैल्यू डायरेक्ट करके देखो, 5 × 25 + 19 × 95 - 5 factorial = 120, तो ये भी 120 और वो भी 120, तो कितना आ गया, 0। अगर आप MCQ फॉर्म के पेपर में बैठे हो तो डायरेक्ट इस क्वेश्चन को आंसर से हिट करना, लेकिन अगर आप किसी ऐसे एग्जाम में बैठे हो जहां पे आपको सॉल्व करना पड़े, तो फिर ये तरीका है। थैंक यू।